हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास किचन। आज हम बनाने वाले हैं वेज मोमो। ब्रेकफास्ट रेसिपी इजी, हेल्दी, क्विक रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को हिट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी के साथ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप मैदा, हम इसे जो है ऑल पर्पज फ्लोर कहते हैं। इसे मैंने जो है एक पिंच जो है सॉल्ट के साथ मिक्स करके गूंद कर रखा हुआ है। मैंने ऑलरेडी जो है आटा गूंद कर तैयार किया है। मैंने इसे जो है आटे को जो है आधा घंटा जो है मैंने इसे रेस्ट दिया है। ढककर रखना है हमें। देखिए सॉफ्ट डो है ये बिल्कुल इस तरह से। अब हम हाथों में तेल लेकर डो को 30 to 40 seconds मसल लेंगे। तो डो जो है काफ़ी सॉफ्ट होना ज़रूरी है। अब चाहे तो 45 मिनट्स भी रख सकते हैं। तो ये डो तैयार है, तो चलिए इसे हम साइड पे रखते हैं ढककर। अब ढककर रखते हैं और हम बनाते हैं स्टफिंग की तैयारी। स्टफिंग के लिए मैंने एक बर्तन में पहले बारीक कटा हुआ पालक लिया है, 5 से 6 पत्ते अच्छे से धुल धोकर जो है काट लिए हैं। आप चाहे तो सीजनल किसी भी वेजिटेबल को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है स्प्रिंग अनियन, ये भी बारीक कटा हुआ, बारीक कटा हुआ कैबेज, हम ये भी ऐड कर लेंगे। अगला इंग्रेडिएंट है स्मैश्ड पोटैटो, एक आलू को बॉइल्ड आलू को स्मैश करके उसमें मैंने गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, जीरा और मिर्ची डाल ली है। हम ये मसाला भी पूरा ऐड कर लेंगे इसमें। तो चलिए पूरा ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से जो ऐड कर लीजिए। हरी मिर्च स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पे छोटी हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। ब्लैक पेपर 7 to 8 क्रश्ड है, ये भी डाल लेंगे। सॉल्ट, सॉल्ट जो है मैं थोड़ा सा ही डालूँगी, थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि हम जो है इसके बाद सोया सॉस यूज़ करने वाले हैं। ये है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, तिल 1 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगला इंग्रेडिएंट ससमे ऑयल 1 चम्मच, ये जो है ठंडियों में बहुत ही सेहतमंद है। मिक्स कर लीजिए। अब देखिए इस तरह से तो हमारा स्टफिंग तैयार है। अब डो जो है हम उससे आटा स्प्रिंकल करके उसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। इस तरह सभी लोइयां इसी तरह बनानी है। तो देखिए करीबन 5 से 6 लोइयां तैयार हो चुकी हैं। अब इसकी पूरियां बनाएंगे, बेलेंगे हल्के हाथों से छोटे छोटे पूरियां। देखिए अब हम जो है इसे फोल्ड करेंगे। आप इस प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हम टोटल 5 साइड्स फोल्ड करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब स्टफिंग, स्टफिंग के समय हम उल्टा जो है जहाँ पर फोल्ड किया है उसके अपोजिट इसमें हम स्टफ करने वाले हैं। टिप ऑफ द डे, स्टफिंग ज़्यादा ना भरिएगा, थोड़ा ही रखिए। अब चलिए सारे एजेस को जॉइन करते हुए, जो देख आप देख सकते हैं सभी कॉर्नर्स को हम जॉइन करते हुए रोज़ फॉर्म, रोज़ जो है या गुलाब या फ्लावर का शेप दे रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से हल्के हाथों से सभी लोइयों को बिल्कुल इस तरह से ही शेप देना है। देखिए बहुत खूबसूरत है। तो सभी को इसी तरह शेप दे देते हैं। तो चलिए देखिए तैयार हो गए हमारे रोज़ेस। चलिए बॉईल कर लेते हैं। पानी तैयार है, बॉईल होता है, हो गया बॉईल। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी रेसिपीज वेज मोमोज, टेस्टी, हेल्दी, यूनिक। आप इसे शेजवान सॉस के साथ सर्व कीजिए। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक बटन को हिट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी क्विक, इजी, टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।